ये वीडियो विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया, घर पे आप घर पर या कहीं और ऐसा करने की कोशिश न करें। राइट गाइस, तो मुझे सच में नहीं पता है कि ऐसा करने पर क्या होगा, क्या ये कुकर फट जाएगा, इसकी सीटी बजेगी या फिर कुछ भी हो सकता है। तो हमने सिंपली थोड़ी सी सेफ्टी के लिए इसका जो फ्यूज है इसे थोड़ा सा लंबा कर दिया, और गाइस हमने इसके अंदर पहले से ही एक अनार रख दी है ताकि अगर एक अनार कम पड़े तो दूसरी इसके प्रेशर से अपने आप ही जल जाए। तो गाइस आईडिया सिंपल है कि हमने सिंपली इस फ्यूज में आग लगा देंगे जिससे कि हमें इस ढक्कन को बंद करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और गाइस हमने सिंपली इस सीटी को जो है इस धागे से भी बांध दिया है ताकि इन केस अगर हमें इसका प्रेशर रिलीज करना पड़े तो हम सिंपली इस धागे को खींच के इसके प्रेशर को रिलीज कर सके। और गाइस गाइस तो चलो अब इस फ्यूज में आग लगाते हैं, इस ढक्कन को पैक करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और ये अभी तक भी इसके अंदर आग जल रही है, इसकी रबर पिघल चुकी है। और मेन चीज ये देखने लायक है यार, मतलब यार मैंने सोचा था कि अगर कुछ होगा तो यहाँ से कुछ होगा, लेकिन इसने दो जगह से ही फ्लेम मेल्ट कर दिया। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाला ढक्कन मेल्ट हो चुका है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर एक अच्छा सा छेद हो चुका है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा जो नया का नया कुकर है उसकी वाट लग चुकी है।